हेलो गाइस गाइस, आज की हमारी वीडियो में हम गिफ्ट ऑफ मूसा के बारे में समझेंगे। तो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर मैं गिफ्ट ऑफ मूसा की बात करूं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मूसा का मीनिंग क्या है। तो अगर मैं मूसा की बात करूं तो द वर्ड मूसा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड सायू। जो ये मूसा शब्द है ना, ये अरेबिक वर्ड सायू से लिया गया है। और सायू का मतलब होता है अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है? अनडिवाइडेड शेयर इन दी प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? मतलब ये हुआ कि मूसा मतलब अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी। अगर मान लो चार भाई इकट्ठे रहते हैं, उनके शेयर को प्रॉपर डिवाइड नहीं किया गया है, तो चारों भाइयों की प्रॉपर्टी जो है ना वो मूसा होगी। अनडिवाइडेड शेयर होगा उनका, प्रॉपर्टी में डिवाइड नहीं हुआ है, ये नहीं पता किसको क्या हिस्सा मिलेगा। तो ये होता है मूसा, अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन ये है, क्या मुस्लिम लॉ में गिफ्ट ऑफ मूसा हो सकता है? गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी हो सकता है? तो इसके रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स की डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी है। आपको पता है मुस्लिम में दो मेन स्कूल है, सुन्नी और शिया, और उनके आगे सब स्कूल है। तो सुन्नी शिया प्लस उनके सब स्कूल्स की डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी है। जैसे कि शिया स्कूल की मैं बात करूं तो शिया स्कूल क्या बोलता है? शिया स्कूल बोलता है कि गिफ्ट ऑफ मूसा हो सकता है, अनडिवाइडेड शेयर जो प्रॉपर्टी में है उसको गिफ्ट में दिया जा सकता है, लेकिन डोनर की ये ड्यूटी है कि वो डोनी को अनडिवाइडेड जो शेयर है उसका पोजेशन दे कि ये है पोजेशन, ये शेयर अब तो डिवाइड नहीं हुआ है पर आप इसमें रहना शुरू कर दो, ये पोजेशन देता हूँ मैं आपको, तभी गिफ्ट वैलिड होगा। ये शिया बात करता है। सुन्नी जो है वो गिफ्ट ऑफ मूसा को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो मानता है कि ऐसा गिफ्ट नहीं होना चाहिए। पर इसका सब स्कूल है हिदाया, हिदाया सब स्कूल है, वो बोलता है कि गिफ्ट ऑफ मूसा हो सकता है, लेकिन तभी होगा अगर प्रॉपर्टी का पहले प्रॉपर पार्टीशन हो जाए, प्रॉपर प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाए। कोई प्रॉपर्टी है वो डिवाइड नहीं हुई है और बंदा उसको गिफ्ट करना चाहता है, तो गिफ्ट ऑफ मूसा वैलिड हो जाएगा जैसे ही प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं की जाएगी तो गिफ्ट ऑफ मूसा वैलिड नहीं होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। अब बात कर लेते हैं कि काइंड क्या है मूसा के, मूसा कितने तरह का होता है, काइंड क्या है मूसा के। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं काइंड ऑफ मूसा की बात करूँ, मूसा के कितने काइंड है, तो मूसा दो प्रकार का हो सकता है। जो गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी है वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो मूसा इन द प्रॉपर्टी इन कैपेबल ऑफ डिवीजन, मतलब एक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है उसका आप गिफ्ट कर रहे हो और वो प्रॉपर्टी कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती, वो इन कैपेबल ऑफ डिवीजन है, उसका डिवाइडेशन हो ही नहीं सकता। दूसरा ऐसा हो सकता है कि मूसा इन ए प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ डिवीजन, आप अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी है उसको गिफ्ट में दे रहे हो और वो प्रॉपर्टी कैपेबल है डिवाइड होने के लिए, वो डिवाइड हो सकती है। तो पहले बात करेंगे मूसा इन ए प्रॉपर्टी इन कैपेबल ऑफ डिवीजन, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी का आप गिफ्ट दे रहे हो जो अब तक इन सेपरेबल है, सेपरेट नहीं हुई है और वो कभी सेपरेट हो भी नहीं सकती, वो इन कैपेबल है डिवाइड करने के लिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट हमेशा वैलिड होता है, याद रखना। क्या लिखा हुआ? ए गिफ्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन इज ऑलवेज वैलिड, वो वैलिड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने अपना घर गिफ्ट किया किसी को और साथ में उसे कॉमन जो सीढ़ियां हैं लेंटर में जाने के लिए वो भी गिफ्ट में दे दी, स्टेयर केस जिसको बोलते हैं। तो अगर स्टेयर केसेस गिफ्ट में करी हैं, ये कभी भी स्टेयर केस डिवाइड नहीं हो सकती। अगर दो घर एक ही स्टेयर केसेस को यूज करते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो स्टेयर केसेस को डिवाइड करके यूज करें, वो इकट्ठी रहेंगी। तो ऐसा गिफ्ट जो है हमेशा वैलिड होता है, ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये हमेशा वैलिड होगा अगर इसको गिफ्ट में दिया गया है तो। वैसे कोई भी ऐसी वस्तु होगी जो डिवाइड करने के योग्य नहीं है, जैसे कुआं हो गया, कुएं से पानी निकालना, अब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो अगर इसका गिफ्ट कर दिया तो उस कुएं में चाहे चार घर के लोग पानी पीते हैं, पानी लेते हैं, वो गिफ्ट जो हुआ है गिफ्ट ऑफ मूसा वो वैलिड रहेगा,
उस कुएं को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो वैलिड होगा बिना सेपरेशन के ही, बिना डिवाइड कर किए हुए गिफ्ट ऑफ मूसा वैलिड रहेगा। दूसरा है मूसा इन ए प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ डिवीजन, कई बार प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अभी तक मतलब सेपरेट नहीं हुई है, मतलब मूसा है वो अब तक इकट्ठी प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी। मूसा का मतलब ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो सकता है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है। तो अगर बंदे ने ज्वाइंट प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे दिया और वो प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ डिवीजन है, मतलब उसका डिवीजन हो सकता है, वो डिवाइड हो सकती है, तो हनाफी लो बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी डिवाइड हो सकती है तो वो गिफ्ट, अगर आपने डिवाइड नहीं की प्रॉपर्टी और गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट बना के दे दिया, तो वो गिफ्ट जो है वैलिड नहीं होगा, पर वो इररेगुलर होगा। क्या होगा? इररेगुलर होगा, इवन तो वॉइड भी नहीं होगा, वो इररेगुलर होगा, वैलिड भी नहीं होगा, वॉइड भी नहीं होगा, इरेगुलर होगा। और ये इरेगुलरिटी रिमूव की जा सकती है, खत्म की जा सकती है, कैसे? अगर लेटर हो, बाद में गिफ्ट देने के बाद उस प्रॉपर्टी को जो कि कैपेबल ऑफ डिवीजन है, जिसका डिवाइडेशन हो सकता है, उसको प्रॉपर डिवाइड किया जाए, पार्टीशन किया जाए, तो फिर वो गिफ्ट जो इरेगुलर था वो वैलिड बन जाएगा, ये नाफिल होगा मानना है। मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ, अगर प्रॉपर्टी जो है वो अनसेपरेबल प्रॉपर्टी है, उस अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, उसको गिफ्ट में दिया गया है मुस्लिम लॉ में, तो अगर वो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी कभी डिवाइड हो ही नहीं सकती तो वो गिफ्ट वैलिड रहेगा, बिना डिवाइड किए वैलिड रहेगा। पर अगर ऐसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट दिया गया है जो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी थी, पर वो डिवाइड हो सकती है, पार्टीशन हो सकता है, तो वो गिफ्ट जो है इरेगुलर होता है नाफिलों के अंदर, इवन दो वो वैलिड बन जाता है जैसे ही प्रॉपर्टी को प्रॉपर डिवाइड किया जाता है। तो ये हमारा गिफ्ट ऑफ मूसा कंप्लीट है। अगर गाइज आप गिफ्ट ऑफ मूसा के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9164-92-276 इस पे आप हमें व्हाट्सएप करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। हमने अपने चैनल में लो की बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, चाहे अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, फिफ्थ ईयर में कुछ भी कर रहे हैं, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहते हैं, टोट पढ़ना चाहते हैं, आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप जो है मुस्लिम लॉ पढ़ना चाहते हैं, हिंदू लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी वीडियो हमारी यूट्यूब पे है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके सिवा अगर आप अपनी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं सब्जेक्ट को, अच्छे वकील बनना चाहते हैं, अच्छे जज बनना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड लेक्चर ले सकते हैं। हमने डिटेल में बताया होता है पेड लेक्चर में, उससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। तो पेड लेक्चर लेना चाहते हैं तब भी आप हमें इस पे मैसेज करें 9864-92-276, इसमें आपको पेड लेक्चर मिल जाएंगे। जो मेन मेन सब्जेक्ट आपके लॉ के हैं, चाहे वो एविडेंस है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, आपका आईपीसी है, और भी बहुत सब्जेक्ट हैं, वो सारे आपको पेड मिल जाएंगे और अच्छे नॉलेज के साथ मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स भी आपको सारे मिल जाएंगे, पेड रहते हैं, आप ले सकते हैं। हमारी अपनी एप्लीकेशन डेवलप हो रही है अभी हार्डली, आज जब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, आप देख लो डेट 7 सितंबर में वीडियो अपलोड हो रही है, तो हार्डली आगे देखो आप 2-4 दिनों में मतलब हमारी एप्लीकेशन बन जाएगी। तो आप हमारे, आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च मारें लो विद ट्विंस, ये सर्च मारना अपने गूगल प्ले स्टोर में, या फिर अगर आपका पास आईफोन है आईओएस में, या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है, वेबसाइट करो www.lowwithtwins.com, सर्च मारो, आपको हमारी साइट मिल जाएगी, हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसमें सारे लेक्चर दिए हैं, प्राइस दिए हैं, डिस्काउंटेड प्राइस दिए गए हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, और आपको बहुत फायदा होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये बात लिख के दे सकता हूँ, जो आप YouTube में 5 मिनट या 7 मिनट 10 मिनट की वीडियो देखते हैं, हमारा टाइम ना वेस्ट हो, बस हमें थोड़ा सा देखना है, उससे कभी आप सीख नहीं सकते। आप उससे बस देखोगे, रट्टा मारोगे, लिखोगे, पर आपको वो नॉलेज नहीं आएगा, वो दिमाग में नहीं बैठेगा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, जहाँ पे आप अपने 10 मिनट खर्च रहे हैं, वहाँ 15 खर्च दो, 12 खर्च दो, 2-4 मिनट का फर्क पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या 5-10 मिनट का फर्क पड़ जाएगा, पर आपको फायदा होगा। मैं लिख के देता हूँ, बार बार देखना नहीं पड़ेगा आपको एक ही वीडियो को, वरना आप कई होते हैं लोग, वो छोटी सी वीडियो बनाते हैं व्यूज लेने के लिए, जल्दी जल्दी बस वो अपना कंप्यूटर के थ्रू जल्दी जल्दी लिख देंगे वहां पे, और वो बोल देंगे इसमें ये है, इसमें ये है, ऐसे नहीं होता, थोड़ा चीजों को कंसेप्चुअल क्लियरिटी करनी पड़ती है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप डिटेल में वीडियो को देखें, आपको ज्यादा फायदा होगा, और हमारे आप वेबसाइट में जाएं, एप्लीकेशन में जाएं, यहाँ पे सारे लेक्चर दिए हुए हैं, पेमेंट भी दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है, आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आप लोग ट्विंस को यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।